الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت وقال عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہمیں پھر جمعہ کی مبارک ساعتیں نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے کثرت سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان میں ایک نور دل میں زندہ کر دیا جاتا ہے ایمان کا نور دل میں زندہ ہو جاتا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت اور سکون نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے
मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। मस्जिद में बैठने का यही तरीक़ा है कि अगली सफ़ों को पुर किया जाए, उसके बाद की सफ़ें, फिर उसके बाद की सफ़ें। और जो आगे बढ़ता है नेकी के काम में, नेकी के मामले में, अल्लाह ताला उसको हर मामले में तरक्की अता फरमाते हैं। ख़ास तौर पर जो पहली सफ़ का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको हर मामले में तरक्की और कामयाबी अता फरमाते हैं। जो हमारे असलाफ और हमारे बुज़ुर्गान दीन पहली सफ़ों का एहतमाम करते थे, तो फिर वही कौम के लीडर भी होते थे। और आज हम लोगों ने पहली सफ़ों का एहतमाम क्या, मस्जिद का एहतमाम छोड़ दिया, तो आज हम जलील और ख़ार हो गए। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम और एहसान से अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको इतनी ज़िंदगी अता फरमाई कि हम एक मरतबा फिर एक साल पूरा कर रहे हैं। ये साल और ये वक्त, ये महीना और ये हफ्ता, ये जो वक्त हैं और ये जो महीने हैं, ये जो हफ्ते हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला की निशानियां हैं। वक्त की तीन किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी जो गुज़र गया, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल जो आने वाला है। माजी जो गुज़र गया अब वो आने वाला नहीं है, माजी अब आने वाला नहीं है। माजी में हमने क्या किया, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, क्या खोया, क्या पाया, ये साल के आखिरी लम्हात उस माजी के एहतिसाब का मौका है। साल का इख्तिताम हम सब को इस बात की दावत दे रहा है कि हम सब मुहासबा करें, हम सब अपना हिसाब लें। हम सब दूसरों का तो बराबर हिसाब लेते हैं, दूसरों की तो बड़ी फिक्र करते हैं, दूसरों का बड़ा ध्यान और बड़ा ख्याल होता है, लेकिन हमें अपने हिसाब का और अपने बारे में फ़िक्र का और अपने ध्यान का कोई ख्याल नहीं होता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, खुदा तरसी की ज़िंदगी गुजारो, खुदा खौफी की ज़िंदगी गुजारो, बेमहार न हो जाओ, बेलगाम न हो जाओ, ज़िंदगी में खुदा खौफी हो, खुदा तरसी हो, अल्लाह का डर हो, अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देने का खौफ हो, ऐसी ज़िंदगी गुजारो। वल्तन्बुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर शख्स अपना मुहासबा करे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, और फिर अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, डर वाली ज़िंदगी गुजारो, बेखौफी वाली ज़िंदगी, बेबाकी वाली ज़िंदगी, जिसमें अल्लाह का डर ना हो, ऐसी ज़िंदगी ना गुजारो। और अपना मुहासबा करने का हुक्म है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, हासिबू क़बल अन तुहासबू, हिसाब करो
मुहासबा करो अपना इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। कल क़यामत के दिन हर शख्स का मुहासबा किया जाएगा, हर शख्स का हिसाब लिया जाएगा। ज़िंदगी कैसी गुजारी, वक्त कैसा गुजारा, गुनाहों में गुजारा या नेकियों में गुजारा। जवानी अता फरमाई थी, किन कामों में लगाया, जवानी की मस्तियों में गुजार दिया, गेम खेलने में गुजार दिया, आवारगी में गुजार दिया। कल हिसाब लिया जाएगा जवानी का। माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया, कल पूछा जाएगा। और इन सवालों का जवाब देने से पहले कोई शख्स अपनी जगह से हट नहीं सकेगा, जवाब देना पड़ेगा, नहीं देगा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो आज हम सब के मुहासबे का दिन है, हिसाब का दिन है, अपना हिसाब लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अन्फुसकुम, ईमान वालों तुम्हारे जिम्मे तुम्हारा अपना अपनी फिक्र है, तुम्हारा अपना ख्याल और अपना ध्यान और अपना हिसाब है। तुम पहले अपनी फिक्र करो, पहले अपना हिसाब लो। आज हमें दूसरों की फिक्र बड़ी लगी हुई है, दूसरों का बड़ा ध्यान रहता है लेकिन अपनी फिक्र नहीं करते। हमारे अकायद कैसे हैं, हमारे इबादात कैसी हैं, हमारी नमाज दुरुस्त हुई या नहीं, हम नमाज पर आए या नहीं, आज तो इसका भी एहसास नहीं है कि अल्लाह की इबादत और बंदगी पर आए या नहीं। ये एहतसाब का मौका है कि हमारा ये जो साल गुज़रा है, इस साल में हमने नमाज़ें शुरू की, और शुरू की तो कितना एहतमाम है, नमाज़ों की पाबंदी हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें कि अल्लाह मुझसे कोताही हो गई, नमाज़ नहीं पढ़ सका, अब आइंदा पढ़ूँगा। मामलात कैसे रहे, तिजारत के मामले में, लेन देन के मामले में कैसे रहे, धोखा तो नहीं दिया। हमें दूसरों के धोखा देने का और दूसरों के धोखेबाजी का बड़ा ख्याल रहता है कि वो शख्स बड़ा धोखेबाज है और वो बड़ा फ्रॉडी है, लेकिन अपने बारे में कभी गौर व फिक्र नहीं करते कि मैं जिस जगह काम करता हूँ उस जगह अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो मैं पूरी ड्यूटी देता हूँ या नहीं, और ड्यूटी के मुताबिक तनख्वाह लेता हूँ या नहीं, या अपनी पूरी तनख्वाह लेता हूँ और ड्यूटी कम देता हूँ। अपने बारे में हमें ख्याल नहीं होता लेकिन दूसरों के बारे में बड़ी फिक्र होती है। और हम सबको अपने माशरे की और अपने घर की भी फिक्र है। और माशरा बनता किससे है, माशरा हम सबसे ही बनता है, हमारे अपने आप से ही बनता है। माशरा किस चीज़ का नाम है, किसको फिक्र नहीं है कि उसका घर दुरुस्त हो जाए, किसको फिक्र नहीं है कि उसका माशरा और उसका मोहल्ला अच्छा हो जाए, अच्छे काम करने वाले हों, अच्छी सोच रखने वाले हों, मोहल्ले में किसी किस्म की आवारगी ना हो, बदकारी ना हो, कोई किसी की बहन बेटियों को ना देखे, किसी की बहन बेटियों के बारे में बुरा ख्याल ना करे, बुरा मामला ना करे। कौन नहीं चाहता, हर शख्स चाहता है कि मुआशरा पाकीज़ा हो जाए। लेकिन मुआशरा बनता किससे है, मुआशरा मेरे खुद से बनता है, मैं मुआशरे का एक फ़र्द हूँ। अगर मैं दुरुस्त होता हूँ और मैं अपनी फिक्र करता हूँ और मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ तो माशरा सुधरेगा और माशरा दुरुस्त होगा। आप अपनी फिक्र करेंगे तो माशरा दुरुस्त होगा। हर शख्स दूसरे की फिक्र करेगा कि वो क्यों नहीं दुरुस्त होता, वो क्यों नहीं अच्छा होता,
तो फिर माशरा नहीं सुधरता। तो हर शख्स को पहले अपनी फिक्र लाजिम है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के यहाँ इसकी बड़ी फिक्र होती थी, मैं कैसे दुरुस्त हो जाऊँ, मैं कैसे अच्छा हो जाऊँ। दूसरों की बाद में फिक्र होती थी, पहले अपनी फिक्र होती, अपने आप को सुधारने का बड़ा एहतमाम होता था। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अन्फुसकुम, हम अपने बारे में गौर करें कि हमारा रवैया इस साल अपने वालिदैन के साथ कैसा रहा। जिनके वालिदैन नहीं है वो तो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, जो हुआ हुआ, ख़त्म हो गया मामला, मौका निकल गया। लेकिन अब जिन लोगों को मौका हाथ आया हुआ है, जिन लोगों के पास उनके वालिदैन की नेमत है, वो गौर करें कि ये साल हमारे अपने वालिदैन के साथ कैसा गुजरा, हमने वालिदैन के साथ क्या रवैया इख्तियार किया, बीवी बच्चों के साथ हमारा क्या रवैया रहा, रिश्तेदारों के साथ हमारा क्या रवैया रहा, दोस्तों के साथ हमारा क्या रवैया रहा, पड़ोसियों के साथ हमारा क्या रवैया रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा के दिन दीन के मुख्तलिफ शोबों पर अहम, ज़रूरी और मुख्तसर वक्त में ज़रूरी बातें अर्ज़ की जाती हैं। इबादात के बारे में भी बताया जाता है, मामलात के बारे में भी बताया गया, मुआशरत के बारे में भी बताया गया। क्या हमारे अंदर तब्दीली आई, क्या हमारे अंदर चेंजिंग आई, हमारे अखलाक दुरुस्त हुए, क्या हमने शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारना शुरू किया। ये एहतिसाब का मौका है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन वक्त को दिरहमों दनानीर और मालो दौलत से भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तू ही अय्याम है, जो दिन गुजरते हैं दरअसल तू गुजरता जा रहा है, जितना दिन गुजरता जा रहा है इंसान खुद गुजरता जा रहा है। हमारा साल के गुजरने पर क्या नज़रिया होता है, हमारे क्या जज्बात होते हैं, और नए साल की आमद पर हमारे क्या जज्बात होते हैं। हमारे सामने से अगर सुबह सुबह कोई बिल्ली गुजर जाती है तो हमारा ये ख्याल होता है कि आज का पूरा दिन ख़राब होगा। बहुत से लोगों का ख्याल होता है, आज भी है मुसलमान माशरे में, कि अगर गाड़ी के सामने से बिल्ली गुजर गई, कुत्ता गुजर गया, अब पूरा दिन ख़राब गुजरेगा। ग्राहक ने सुबह सुबह अगर बहस शुरू कर दी, बहसबाजी कर दी, पूरा दिन बरकत से महरूमी रहेगी। ये बहुत से लोग सोचते हैं, अगर सुबह सुबह कोई गलत काम हो गया, किसी नापसंदीदा शख्स का चेहरा देख लिया, तो ये सोचते हैं पूरा दिन ख़राब गुजरेगा, मनहूस गुजरेगा। हर शख्स का ये ख्याल। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान को तहज्जुद में ही उठवाया, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़वा के इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया, नमाज फ़ज्र का अल्लाह ने हुक्म दिया, सुबह से ही दिन की शुरुआत करवा दी। और नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने सुबह के लम्हात में खैर बरकत की दुआ दी। क्यों? ये इंसानी फितरत है कि वो शुरुआत को अच्छा बनाना चाहता है, और वो इसकी फितरत में ये है कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो इख्तिताम भी अच्छा होगा, दरमियान भी अच्छा गुजरेगा। आज हमारा जो शुरुआती लम्हात होते हैं, साल ख़त्म होता है और साल के शुरू होते ही जो तमाशे होते हैं, और जो अल्लाह की नाफरमानियाँ होती हैं, और जो नाइट क्लबों में नौजवान अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे होते हैं, जो बदकारियाँ और गुनाह कर रहे होते हैं, फिर वो ये ख्याल करते हैं कि पूरा साल अच्छा गुजरेगा। वो ये ख्याल कर सकते हैं, शुरुआत ही ख़राब कर दी तो पूरा साल कैसे अच्छा गुजरेगा।
नए साल की खुशी मनाते हैं, नए साल की खुशी का नज़रिया रखते हैं। हालांकि हर मुसलमान का यह अकीदा है कि हर मुसलमान अपनी उम्र लेकर आया है, हर एक की अपनी उम्र है, मुकर्ररा उम्र पर वो दुनिया से चला जाएगा, हर मुसलमान का ये अकीदा है। तो ये मौका है एहतिसाब का कि हमने कब्र की तैयारी कितनी की। साल गुजरा, अगर एक शख्स 40 साल लेकर आया था तो उसका एक साल ख़त्म हो गया, उसकी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया, तो इस पर खुशी कहाँ बनती है। और अगर खुशी मानी जाए कि खुशी मनाने का मौका है, तो खुशी मनाने का क्या इस्लाम ने ये तरीका दिया है कि अल्लाह की नाफरमानी की जाए, बल्कि खुशी मनाने का तरीक़ा, खुशियों का तरीक़ा और इस्लामी साल शुरू करने का तरीक़ा ये है कि अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ शुरू किया जाए, दो रकात नमाज का एहतमाम करके शुरू किया जाए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन साल के शुरू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ पढ़ के शुरू किया जाए, अच्छा काम करके शुरू किया जाए, तब जाके पूरा साल अच्छा गुजरेगा। एक हदीस है, कुल अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिबिस्मिल्लाही फहुवा अक्ता व अबतर। जो काम भी अल्लाह के नाम से न शुरू किया जाए वो बरकत से खाली होता है। तो हमारा साल शुरू हो रहा है, इस साल के मौके पर हम सब को अपने एहतिसाब का भी ख्याल होना चाहिए, एहतिसाब भी करना चाहिए कि मेरा साल कैसा गुज़रा। अगर ख़राब गुज़रा है, गुनाहों में गुज़रा है और नमाज छोड़ने में गुज़रा है, तो फिर तौबा करें, तौबा करें और नमाज पे आएँ, माशरत अच्छी करें, लोगों के साथ कैसा रवैया रहा अब मैं अच्छा रवैया इख्तियार करूँगा, मेरे अखलाक कैसे रहे अब मैं अच्छे अखलाक इख्तियार करूँगा। अगर नसीब हो तो अपने गुनाहों की फहरिस्त बनाओ कि पूरे साल मैंने कितने गुनाह किए, कितने नमाजें छोड़ी, कितनी गीबतें की और कितना धोखेबाजी का मामला किया, इनकी फहरिस्त बनाओ, और कितने अच्छे काम किए सब की फहरिस्त बनाओ। इसका फ़ायदा ये होगा, सामने आएगा कि हम कैसे हैं। उसके बाद फिर जी जो गुनाहों की फहरिस्त है उस पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो कि ऐ अल्लाह अब मैं आइंदा साल ये गुनाह नहीं करूँगा, और जो नेकियों की फहरिस्त है नेकियों की फहरिस्त पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और नेकियों को बढ़ाने का अज़्म करे। यही नए साल की आमद का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस नए साल की बेहतरीन शुरुआत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह हमारा आने वाला साल अच्छे से अच्छा बनाए, नेकियों वाला खुशगवार ज़िंदगी हो, ईमान और आफियत वाली ज़िंदगी हो। और किसको पता है कि अगला साल हमारा आखिरी साल हो। हम में से हर एक यही कहता है कि ज़िंदगी का क्या भरोसा है, हर शख्स यही कहता है, लेकिन फिर जब मौका आता है तो ये कहता है कि ज़िंदगी अभी तो बहुत पड़ी हुई है, ज़िंदगी अभी तो बहुत लंबी है। तो ये हमारी बातों में तजाद क्यों होता है, या तो हमारी ये बात झूठी है, या तो हमारी वो बात झूठी है, या तो हम ये जो कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं बस यूँ ही ज़बानी कह रहे होते, हमें यकीन नहीं होता, या फिर हमारी ये बात झूठी है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है। और यकीनन ये बात झूठी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम ज़बान से कह रहे होते हैं, हकीकत में यकीन और इस्तेज़ार नहीं होता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आने वाला साल क्या हो सकता है आखिरी साल हो, किसी को अपने अगले लम्हे का भी यकीन नहीं है कि वो अगले लम्हे में रहेगा या नहीं, अगले महीने रहेगा या नहीं, और अगले साल तक जिएगा या नहीं जिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने इस साल के अख्तिताम पर एहतिसाब करने की तौफीक नसीब फरमाए, और नए अज़ाइम के साथ और बेहतरीन शुरुआत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।